बच्चों ओपन योर SST कॉपी। ओपन योर SST कॉपी बच्चों। टुडे इज योर रिवीजन टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड देन चैप्टर नंबर 4। ओके गुड मॉर्निंग। ओपन योर SST कॉपी। ओके दिस इज अ रिवीजन टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड 4। आप लोगों का ये रिवीजन टेस्ट है चैप्टर नंबर 3 और 4 का। ये आपको स्कूल की कॉपी में लिखना है तो जल्दी कीजिए। हरी आप करना शुरू कीजिए। इट्स अ रिविजन टेस्ट। निर्मल मित्तल इफ यू हैव एनी क्वारीज यू कैन टाइप योर प्रॉब्लम। परी बेटा टाइप कीजिए। ये रिविजन टेस्ट है जो आपको फेयर कॉपी पे करना है स्कूल में विद क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन भी नोट करने हैं और आंसर भी नोट करने हैं। रिवीजन टेस्ट जैसे क्लास में टीचर्स लेते थे ना, हम लोग क्लास में टेस्ट कैसे लेते थे, ब्लैक बोर्ड पे टेस्ट लेते थे रिवीजन टेस्ट। आप लोग पूरा क्वेश्चन नोट करते थे, सेम बिल्कुल वैसा है जो व्हाइट बोर्ड पे टेस्ट है। ओके आपको आपको स्कूल के फेयर कॉपी पे नोट करना है। नहीं बेटा ये आपको पूरा स्कूल की फेयर कॉपी पे नोट करना है। स्कूल की SST कॉपी जिसपे आपने क्वेश्चन आंसर नोट किए है ना, आपने अपने स्कूल की कॉपी फेयर कॉपी पे करना है पूरा। ये जैसे हम लोग क्लास में टेस्ट लेते थे ना, वैसे इसी तरह से टेस्ट है ये। आपको फेयर कॉपी पे करना है।
विद आंसर, आंसर के साथ करना है, आप पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे और आंसर भी साथ साथ लिखते जाएंगे। ओके जब आप फेयर कॉपी पे, ओके बेटा जब आप फेयर कॉपी पे पूरा कर लेंगे, फेयर कॉपी पे करने के बाद आंसर लिखने के बाद आप फोटो, उसकी फोटो क्लिक करेंगे और फिर आप मुझे पोर्टल पर सबमिट करेंगे अपने आंसर। जैसे पोर्टल पर क्वेश्चन पूछते हैं उसी तरह से पोर्टल पर आंसर भी सबमिट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी करना शुरू कीजिए। अवनी पहले करना शुरू कीजिए, हाउ वेयर ये सब बात की बात है, पहले करना शुरू कीजिए। वर्कशीट है इसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, फेयर कॉपी पे, और आंसर भी लिखिए। देवांश गुप्ता, निर्मल मित्तल, आदित्य बंसल, मनिका गुप्ता, गोपिल गोयल, शिवोम, अपनी वीडियो ऑन कीजिए बच्चों। अभिनव शिखर बेटा इसको कॉपी पे नोट करना है। अनोखी यू हैव अ प्रॉब्लम, यू कैन टाइप योर प्रॉब्लम। आप लोग बीच बीच में हैंड रेस कर रहे हैं, आई विल नॉट अनम्यूट यू, मैं आप लोग को अनम्यूट नहीं करूंगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टाइप योर प्रॉब्लम बच्चों। शिवम गुप्ता नोट डाउन करना शुरू कीजिए जल्दी। It's a test, it's a revision test. Sharvi, you have done. Sharvi said, sir, I have done. Show me Sharvi. वे आर यू शार्वी, फेयर कॉपी में करना है मनिका। आप लोग क्लास में रिविजन टेस्ट किस कॉपी पे देते थे आप लोगों को याद है ना? रिविजन टेस्ट, इस रिविजन टेस्ट बेटा, रिविजन टेस्ट है ये। रिविजन टेस्ट हम लोग फेयर कॉपी पे देते थे चैप्टर खत्म होने के बाद। अनोखे आपने सब कुछ टाइप कर दिया लेकिन अपनी प्रॉब्लम टाइप नहीं किया आपने। सर आई हैव अ प्रॉब्लम, सर आई हैव अ क्वेश्चन, लेकिन आपने प्रॉब्लम टाइप नहीं की। सर हमें आंसर आंसर नहीं। आराध्या आप लोगों को क्वेश्चन भी नोट करना है,
okay, you have to write question also with their answer. आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी नोट करते जाना है. ओके आप लोगों को रिवीजन टेस्ट एसएसटी की फेयर कॉपी में करना है. आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन नोट भी करने हैं और उनके आंसर भी साथ साथ लिखते जाने हैं. आई होप आप लोगों की ये क्वारीज पूरी हो गई होगी, कहाँ करना है कैसे करना है. शार्वी बेटा कहाँ है आप? शार्वी तो गायब ही हो गई, जैसे मैंने पूछा कि आंसर दिखाओ तो गायब हो गई वो. उत्कर्ष ओपन योर वीडियो बेटा. आदित्य बंसल, मनिका गुप्ता ओपन योर वीडियो. देवांश गुप्ता आर यू डूइंग? आर यू राइटिंग बेटा? निर्बंध बाद में क्या करना है वो बाद में देखी जाएगी, फिलहाल आप अभी टेस्ट दीजिए. ओके बाद में क्या करना है, क्या फोटो क्लिक करनी है क्या नहीं करनी है वो बाद का प्रोसेस है. अभी आप कॉपी पे टेस्ट को लिखिए, उसके आंसर नोट डाउन कीजिए, बाद में क्या होगा आपको बाद में समझा दिया जाएगा. नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन एंड देयर आंसर ऑल्सो. बाद में क्या होना बात की, वो बात का प्रोसेस है. फिलहाल अभी आप जो स्क्रीन पर आपके है व्हाइट बोर्ड पर टेस्ट दीजिए उसे, और आपको पूरे क्वेश्चन भी नोट करने हैं फेयर कॉपी पे. पावनी ओपन योर वीडियो. आरव अग्रवाल ओपन योर वीडियो. शिवम गुप्ता ओपन योर वीडियो. ओके आई थिंक इतना आप लोगों का हो गया होगा. ओके 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 अच्छा अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसका फिंगर ब्लेंड्स रह गया हो? कोई है ऐसा जिसका फिंगर ब्लेंड्स रह गया हो? नो ओके कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने फिंगर ब्लेंड्स देखने से भी रह गया हो? कृतिका हरी अब कृतिका जल्दी कीजिए बेटा.
आराध्या हरिया बेटा, बाकी बच्चे भी वेट करेंगे फिर। एंड यू हैव टू डू योर टेस्ट विद गुड हैंड राइटिंग, ये ध्यान रखना। मैं हैंड राइटिंग के भी मार्क्स दूंगा, एक्स्ट्रा मार्क्स। आदित्य बंसल पहले इतना कर लीजिए, मैं एक बार फिर सबसे पूरा दिखा दूंगा। आदित्य बंसल अगर जिन बच्चों का रह गया है वो उतना गैप छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूंगा। ओके, फाइव फ्रिंदा बेंस है, फाइव ट्रू फॉल्स है, तो आप एक एक लाइन छोड़ सकते हैं, उसके बाद में आगे दिखा दूंगा। फिलहाल आप जब स्टेट और कैपिटल्स कर लीजिए, डोंट बी पैनिक, परेशान मत होइएगा, मैं आपको फिर दोबारा दिखा दूंगा। ये जिन बच्चों का रह गया है वो परेशान मत होइएगा, एक बार मैं फिर से दिखा दूंगा आप लोगों को। अभी इतना कर लीजिए, ये इतना ही है टेस्ट बस। स्टेट में आपको असम की कैपिटल लिखनी है, गुजरात की कैपिटल, झारखंड की कैपिटल, मणिपुर की कैपिटल, नागालैंड की कैपिटल, राजस्थान की कैपिटल, सिक्किम की कैपिटल, उत्तराखंड की कैपिटल, उत्तर प्रदेश की कैपिटल एंड वेस्ट बंगाल की कैपिटल आप लोगों को लिखनी है। मैत्री बेटा, स्टेट टू कैपिटल्स कर लीजिए, एक बार मैं फिर से आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखा दूंगा। ओके मैत्री, स्टेट कैपिटल्स कर लीजिए, उनकी जगह आप जगह छोड़ दीजिए।
ओके, मैं एक बार स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखा देता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। ये देखिए, जिनका फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स रह गया था वो कर सकते हैं, और जिनका हो गया था एक बार वो रीचेक कर सकते हैं। ओके पावनी, एक बार रीचेक कर लीजिए। I have write start and computer. Yes, you can write start. Checkout it. Okay, Pavni. Okay. Sir, ओके कुछ बच्चे कह रहे हैं सर स्टेट कैपिटल एक बार फिर से दिखा दीजिए। ओके तो स्टेट कैपिटल एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। अब ट्रू फॉल्स दोबारा नहीं दिखाई देंगे, ध्यान रखना, और फिल इन द ब्लैंक्स भी। ये बार चेक कर लीजिएगा स्टेट कैपिटल भी अच्छे तरह से। निर्मल मित्तल, वे आर यू बेटा, कहाँ हैं आप? एक बार चेक कर लीजिए शेड कैपिटल अच्छी तरह से। ओके बच्चों, मैं एक बार आप लोगों को ये थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ। सर आई हैव डन एंड री चेक। ओके अवनी, ये देखिए मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका।
और ये आज आपके पोर्टल पे अपलोड भी हो जाएगा। नो, और यू कांट शेयर द स्क्रीन टेस्ट पावनी बेटा, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, सब लोग स्क्रीन शेयर करेंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बहुत से बच्चे हैं फिर। मैं बताता हूँ कैसे पाऊंगे। ओके बच्चों, जिनका टेस्ट रह गया होगा वो आज पोर्टल पे पहुंच जाएगा, तो पोर्टल पे टेस्ट दे दीजिएगा। हाँ, सबमिट करना है आपको, कैसे करना है देखना यार, और टेस्ट ईमानदारी से देना। सपोज कीजिए आपने टेस्ट दिया हुआ है और यहाँ पर आपका टेस्ट है, ओके, आप एक पेज की उसकी फोटो क्लिक करेंगे लाइक दिस, इस तरह से फोटो क्लिक करेंगे आप लोग प्रॉपर तरीके से, और जब आप जहाँ पोर्टल पे आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना मुझसे, सर इसका क्या, इसका क्या है, आप उस पोर्टल पे जाके नीचे एक ऑप्शन होता है चूज फाइल सबमिट डॉक्यूमेंट, आप वहां पर जाकर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके मुझको सेंड कर सकते हैं। ओके, पोर्टल पे जाके आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आप जब पोर्टल पे जाएंगे तो उस पर ऑप्शन होता है जहां क्वेश्चन, जहां आप उससे क्वेरीज पूछते हैं चैप्टर के रिगार्डिंग, वहीं पर आप जाकर उस पर लिखा हो चूज फाइल, आप उस पर फाइल को चूज करेंगे और उस पर क्लिक करके, और जो आपने फाइल फोटो क्लिक की होगी उसको वहां आप लोग सेंड कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा बच्चों कि जो आपने फोटो क्लिक करी है उसको PDF में कन्वर्ट करके भेजें, लिख लीजिए जैसे मम्मी पापा को बता सको आप, PDF, पी, ओके, पी, पी लोग जानते हैं, पी से पिकॉक, डी, डी से डॉग, डी से डोरेमोन, है ना, पी डी और एफ, एफ से फैन पंखा, PDF, इसमें कन्वर्ट करके आप सेंड करोगे तो वो और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो जो भी आपने टेस्ट दिया है उसका फोटो क्लिक करेंगे और आप लोग मुझे सेंड करेंगे मेरे पोर्टल पे और मैं चेक कर लूंगा। और ध्यान रखना आंसर ईमानदारी से देंगे आप लोग, आप सोचोगे हम बुक में चीटिंग करके टेस्ट दे देंगे तो उसमें नुकसान किसका होगा, आप लोग जानते हो, और मुझे अपने बच्चों पे भरोसा है बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे। ओके, सब लोगों का टेस्ट हो गया था, शुभम तुम्हारा रह गया था। ओके, पोर्टल पे कैसे भेजना है अपना टेस्ट, किसको समझ में नहीं आया ये चीज अभी, पोर्टल पे टेस्ट कैसे सेंड करना है किसको समझ में नहीं आया, कोई है जिसको समझ में नहीं आया है पोर्टल पे, तन्मी आपने को कहना है सर मुझे समझ में नहीं आया। ओके, आपने क्या करना है आप लोगों को, जैसे सपोज कीजिए ये आपका टेस्ट है, ओके, आपको इसकी फोटो क्लिक करनी है सारे आंसर्स के, अपने जिस पे आपने टेस्ट दिया है उसकी फोटो क्लिक कर लेंगे ना तो एक इमेज बन जाएगी, फोटो में फोन में एक इमेज आ जाएगी, जब आप पोर्टल ओपन करेंगे स्कूल का वहां पर आप मुझको सेंड कर सकते हैं, ये मम्मा पापा को पता होगा वो बता देंगे कैसे करना है, जहां आस्क आप क्वेश्चन पे जाते हैं वहां आप मुझे सेंड कर सकते हैं, उस पर लिखा होता है सबमिट डॉक्यूमेंट, और जिसके पास पोर्टल नहीं आया है वो स्कूल में जाके एक बार अपना नंबर वेरीफाई करा लीजिए, जिसके पास भी पोर्टल नहीं आया है वो स्कूल में जाकर वेरीफाई नंबर करा लीजिए, कृतिका क्या जानना है बेटा आपको, जिसके पास भी पोर्टल का मैसेज नहीं आया है वो स्कूल में एक बार जाकर अपना नंबर वेरीफाई जरूर करवा लें बेटा, नंबर स्कूल में एक बार वेरीफाई करा लेंगे तो स्कूल से रिगार्डिंग जो भी मैसेजेस होंगे आपको सब मिलेंगे, अनोखी लेसन प्रॉपरली।
फिर आप बाद में पूछेंगे सर आपने क्या बताया। जिसके पास स्कूल से रिगार्डिंग कोई मैसेज नहीं आते हैं वो स्कूल जाके एक बार नंबर अपना वेरीफाई करा लीजिए, नंबर अपना अपडेट करा लीजिए, जिससे आपको स्कूल के सारे मैसेजेस मिलेंगे और जितने भी हम लोग वर्क कराते हैं क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और जो हम वीडियो है सब कुछ आपके पोर्टल पर अपलोडेड है और जितना भी वर्क कराएंगे सब आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। और आपके पास पोर्टल का अगर मैसेज नहीं आता है तो आपको स्कूल जाकर अपने नंबर को अपडेट कराना होगा। ओके, जब अपने नंबर स्कूल में अपडेट करा लेंगे तो आपको स्कूल से सारे मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब कैसे कृतिका, जब पहले मैसेज आएगा तभी तो आप लोग लॉगिंग वॉगिंग सब करना सीखेंगे। ओके, जो भी आप फोन नंबर स्कूल में अपडेट कराएंगे उसी फोन नंबर पे सारे मैसेजेस आएंगे, ध्यान रखना, और उसी नंबर से आपका पोर्टल ओपन होगा। जो भी आपका पोर्टल है उसी नंबर से ओपन होगा जो नंबर आप स्कूल में अपडेट करवाएंगे। ठीक है, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करेंगे, उस पर अपना फोन नंबर डालेंगे जो आपने स्कूल में लिखवाया है, आपके पास एक मैसेज आएगा ओटीपी, उसको जैसे ही खोलेंगे आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसमें हर सब्जेक्ट के जितना भी वर्क करा दिया गया है सब चीज आपको मिल जाएगा, रिविजन टेस्ट, वर्कशीट, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस, वीडियो, सब कुछ आपको उस पर पोर्टल पे मिल जाएगा। सिलेबस भी मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस आना है, सब कुछ आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको स्कूल में एक बार नंबर अपडेट कराना होगा। जिस बच्चों के पास नंबर अपडेटेड है उनके पास मैसेज आ रहे होंगे और जिनके पास मैसेज नहीं आ रहे हैं वो एक बार नंबर अपडेट करा दे स्कूल में जाके। कृतिका, एट्थ चैप्टर, कृतिका बेटा एट चैप्टर तो अभी कराया नहीं, अभी तो फाइव चैप्टर कराया है। कृतिका की गाड़ी कहाँ चलती है पता नहीं, वो एक चैप्टर पे पहुंच गई। कृतिका आप मुझे शो क्यों नहीं हो रहे हो इसमें? सर मेरे फोन में मैसेज आया है बट डज नॉट एग्जिट बता रहा है। आप स्कूल में एक बार चेक कराइए बेटा। बेटा एट चैप्टर का टेस्ट कैसे हो जाएगा कृतिका जब एट चैप्टर कराया ही नहीं है अभी? कृतिका टाइप करने से पहले देखा तो करो, टाइप क्या कर रहे हो आप? एट चैप्टर का टेस्ट अभी एट चैप्टर तो कराया भी नहीं है, आप उसका टेस्ट पहले दे दीजिए, है ना? ओके बच्चों, मंडे को आपका जो मंडे होगा, इस मंडे को मैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट लूंगा। किसका टेस्ट लूंगा? चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। किसी को अगर पूछना है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से, वो एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना मेरी क्लास में, या फिर आप पोर्टल पे मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक का क्या मतलब है, या मुझे चैप्टर दोबारा समझना है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। परी टाइप कर दीजिए बेटा, डोंट रेज योर हैंड, टाइप कर दीजिए परी। तो जो भी चैप्टर आपको समझना है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से, आप लोग पोर्टल पे टाइप कर दीजिएगा, मंडे को उसका टेस्ट होगा, आप लोग का रिवीजन टेस्ट होगा मंडे को चैप्टर नंबर 2 और 3 का। ओके, अगर किसी को ये चैप्टर दोबारा समझना है तो पोर्टल पे बता दीजिएगा। पावनी क्या जानना है सर, प्लीज टेल मी अगेन हाउ आई सेंड वर्कशीट। वर्कशीट मैंने बेटा बताया था कि आपकी वर्कशीट है इस पे फोटो क्लिक कर लीजिएगा। फोटो क्लिक करने के बाद आप जब पोर्टल पे जाएंगे तो पोर्टल पर आस्क मी क्वेश्चन में जैसे आप ओपन करेंगे उस पे लिखा होगा सबमिट डॉक्यूमेंट, उस सबमिट डॉक्यूमेंट पे आप चूज फाइल पे जाना और जो भी आपने फोटो क्लिक करी है उसको सेंड कर देना। अगर उस पे सेंड नहीं होगा तो फोटो को, जो भी आपने फोटो क्लिक करी है उसको PDF में कन्वर्ट करनी है। किसमें कन्वर्ट करनी है? PDF, एक फाइल नेम होता है कंप्यूटर में,
पीडीएफ में उसमें कन्वर्ट करके आपको सेंड करना है। ओके, मंडे को चैप्टर नंबर 2 और 3 का टेस्ट होगा। किसी को चैप्टर नंबर 2 और 3 समझना है तो बता दीजिएगा। मनिका, व्हाट आर यू डूइंग? ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। यस पावनी, क्या कहना चाहते हो बेटा, बोलो तो। आप टाइप कीजिए बेटा। ओके सर, सर वांट टू टॉक पर ही टाइम कम है, सिर्फ कुछ सेकंड्स रह गए हैं। सैटरडे, सैटरडे।